सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज के सहायक प्रोफेसरों ने सोमवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहायक प्रोफेसर अपना वेतन बढ़ाने और उनके पद को रिक्त न मानने की मांग कर रहे हैं। सहायक प्रोफेसर राकेश कुमार ने बताया कि सरकार गेस्ट अध्यापकों को उनसे ज़्यादा वेतन दे रही है, जबकि उनकी योग्यता काफ़ी कम है। अपनी मांगों को लेकर कुछ सहायक प्रोफेसर अमरन अनशन पर भी हैं। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी गई है। आइए सुनते हैं सहायक प्रोफेसरों की मांगों के बारे में उन्हीं की जुबानी। हमारी मुख्य दो मांग है सरकार से। एक तो UGC ने जो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम पे स्केल घोषित किया 57,700 रुपये, तो हम चाहते हैं एक्सटेंशन लेक्चर हरियाणा के वो बेसिक पे हमें मिले, सरकार दे। और दूसरा जो हमारा पद है उसको सरकार रिक्त ना माने। और दूसरी ओर सरकार से एक अपील है कि जो हमसे कम क्वालिफिकेशन रखते हैं हरियाणा विद्यालय के अंदर स्कूलों के अंदर, उनको सरकार JPT टीचर को 26,000 रुपये सैलरी दे रही है गेस्ट को। इसी प्रकार TGT और PGT को 36,000 रुपये मासिक दे रही है, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन उनसे कहीं ज़्यादा है। नेट है, PhD है और कई साथी ऐसे हैं जो कई साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मेरी हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमने जो आमरण अनशन स्टार्ट कर रखा है उसकी तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द हमारी मांगों की तरफ मांगों को सुलझाया जाए और मांग माननी चाहिए। आगे हमारी रणनीति, हमारी जो स्टेट की वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी एक्सटेंशन लेक्चरर की, जैसे हमारे को जैसे संदेश आएगा हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। और हमारे प्रधान ईश्वर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी आंदोलन को तेज करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।